यूनिट में हम लोग अब तक थर्मोमेट्री, कैलोरीमेट्री और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद जो चैप्टर पढ़ना है उसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स के लिए भी और केमिस्ट्री के लिए भी। अब पूरे हीट यूनिट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो थर्मोडायनेमिक्स ही है, ठीक है। जैसा कि नाम ही बता रहा होगा, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो एंड डायनेमिक्स, तो थर्मो का मतलब तो हो गया हीट से रिलेटेड, और डायनेमिक्स का मतलब होता है क्या, मोशन, समझ आ रहा है कि नहीं, फ्लो। तो इस चैप्टर में हम लोग हीट के फ्लो के बारे में पढ़ेंगे और उसका क्या क्या इफेक्ट होता है, समझ आ रहा है कि नहीं, इसके बारे में पढ़ना। तो इसमें कुछ बेसिक टर्म होता है जिसको पहले हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन पर उतरेंगे। तो पहला जो टर्म है वो है सिस्टम। तो सिस्टम का मतलब क्या हो गया ना, कि जिसके स्टडी में आप इंटरेस्टेड हैं, जिसको आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं, वो क्या कहलाता है, वो सिस्टम कहलाता है। जैसे कि गैस इस कंटेनर में है, ठीक है, तो इस गैस का टेम्परेचर कितना होगा, प्रेशर कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा, इंटरनल एनर्जी कितना होगा, ये सब जानने में हम लोग इंटरेस्टेड है। तो ये वाला क्या हो गया, ये सिस्टम हो गया। और सिस्टम को छोड़ कर कर करके बाकी हर चीज क्या होगा, सराउंडिंग होगा। तो इसके बाहर में जो भी चीज है वो क्या है, सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग मिला कर कर करके जो टोटल होगा वो यूनिवर्स होगा, ठीक है। तो सिस्टम का क्या मतलब हो गया, कि जिसमें हम लोग इंटरेस्टेड हैं या जिसके बारे में स्टडी करेंगे, हम लोग का जनरली सिस्टम कैसा रहेगा, तो किसी कंटेनर में कुछ रहेगा, समझ आ रहा है कि नहीं, तो वो सिस्टम होगा और बाकी बाहर का सराउंडिंग होगा। और सिस्टम सराउंडिंग मिला करके जो कहलाता है वो, सिस्टम सराउंडिंग को जो मिला करके बनता है वो क्या होता है, यूनिवर्स होता है। ओवरऑल तो उतना मतलब नहीं रखना है, आपका जो कंटेनर वाला होगा वो सिस्टम हो जाएगा और बाहर वाला होगा जो सराउंडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो यूजुअल चीज था। इसमें तीन तरह का सिस्टम हम लोग को पढ़ना है। शुरू में आप लोग को हो सकता है कि बोरिंग लगे, आज टारगेट बैच में है आप, तो बेसिक चीज जान ही रहे होंगे, लेकिन मेरा काम है बताना। तो एक सिस्टम क्या हो जाएगा, तो ओपन सिस्टम, ये हम लोगों को जनरली पढ़ना नहीं, ठीक है। ओपन सिस्टम इसमें क्या रहेगा, कि ओपन रहेगा, जो भी चीज आप इसमें डाल दिए हैं ये ओपन है। तो ओपन का मतलब क्या हुआ, कि आप मास भी इसमें डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, एनर्जी भी है जो कि बाहर अंदर होगा। तो ओपन सिस्टम का यही डिफिनेशन लिया जाता है कि हीट एनर्जी एंड मास दोनों का क्या होगा, दोनों का ट्रांसफर होगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि क्लोज सिस्टम पढ़ना, ये सब ऐसे ही है, केवल सुन लीजिए। तो क्लोज सिस्टम का क्या होगा, कि ये क्लोज रहेगा, नाम ही बोल रहा है क्लोज है। तो अगर क्लोज हो गया तो इससे क्या होगा, कि मास तो बाहर नहीं जा सकता है, तो मास ट्रांसफर है जो कि नहीं होगा, मास ट्रांसफर नहीं होगा, एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बाकी यहीं पर बता देते हैं। एक तीसरा ज्यादा ज्यादा क्यों है, तीसरा जो होगा ये क्या होगा, क्लोज सिस्टम ओपन सिस्टम, उसके बाद बोलो यार आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड से तो पता ही चल रहा होगा कि एकदम आइसोलेटेड है सबसे, मतलब अलग है, माने दिन दुनिया से कोई उसको मतलब नहीं। तो ये वाला क्या हो गया जी, कि इसमें मास ट्रांसफर होगा, हाँ मास ट्रांसफर है जो कि नहीं होगा, और एनर्जी का भी ट्रांसफर नहीं होगा।
ठीक है, तो तीन ही टाइप का हम लोगों को पढ़ना है, या तो सिस्टम ओपन रहेगा जो जनरली नहीं पढ़ना रहता है लेकिन बता दिया जा रहा है ओपन रहेगा, या क्लोज रहेगा। क्लोज रहेगा तो मास ट्रांसफर नहीं होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगा, और आइसोलेटेड नाम ही बोल रहा है आइसोलेटेड है, कुछ अगल बगल से उसको मतलब ही नहीं, तो ना तो मास का ट्रांसफर होगा ना तो एनर्जी का ट्रांसफर होगा। बोलो यार, दो तरह का वाक पढ़ना है, यह समझिएगा, पढ़ना तो बहुत सारा तरह का है लेकिन दो तरह का आपको यूज होगा। एक होता है डायथर्मिक वाक, इसमें क्या होता है ना, मैंने इस वाल के थ्रू या इस सरफेस के थ्रू हीट एनर्जी जो होता है वो ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो ये वाला किस में यूज होता होगा, आइसोलेटेड वाला में कि क्लोज वाला में? क्लोज वाला। अरे वो हीट एनर्जी ट्रांसफर को अलाउ करता है, तो हीट एनर्जी ट्रांसफर इसी में हो सकता है, इसमें भी हो सकता है लेकिन तो डायरेक्ट ओपन है ही है। तो ये ध्यान आपको रखना है कि अगर आपको बोल दिया ये डायथर्मिक करके ना, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि इसमें हीट एनर्जी आ जा सकता है। बोलो यार, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, तो एग्जांपल हो जाएगा बहुत सारा चीज है, कंडक्टिंग वेसल, ठीक है, और भी बहुत सारा चीज हो सकता है, एक एग्जांपल दिया गया। और इसके बाद एक जो है वो एडियाबेटिक वाल होता है, वाल का मतलब आपको सरफेस समझना, इसमें क्या होता है जी कि हीट एनर्जी ट्रांसफर अलाउड नहीं होता, ये अलाउड नहीं होता। तो आइसोलेटेड सिस्टम में कौन रहता होगा, एडियाबेटिक वाल ही रहता होगा। अरे बोलो यार, कि एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा, ना आ सकता है ना जा सकता है, यही कहानी है। मतलब कुछ चीज जो पहला बार में जो बोर्ड में भराएगा ना, ये चीज है क्या कि आपको सुन लेना है, इसके बाद में जरूरत है, जैसे कि आपको बोल दिया कि डायथर्मिक वाल है, तो ये नहीं सोचने लगना कि इसमें हीट ट्रांसफर हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसीलिए बेसिक टर्म है जो कि एक बार बता दिया जा रहा है, आपसे गुजार दिया जा रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं, इसको ध्यान रखिएगा। फिर आपको उस चीज को खाली सुन लेना है, एक होता है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल का मतलब क्या हो गया कि जिस टाइप का फिजिकल क्वांटिटी थर्मोडायनेमिक्स में यूज होगा, समझ आ रहा है कि नहीं, जिसके थ्रू सिस्टम के स्टेट के बारे में पता चल सके कि हाँ किस सिचुएशन में वो है। तो इसमें कौन कौन होता है, तो प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, बहुत सारा होता है, इंटरनल एनर्जी हो गया, एंट्रोपी हो गया, बहुत सारा बच्चा ये सोचता है कि थर्मोडायनेमिक वेरिएबल का मतलब पीवीटी ही होता है, बहुत सारे दिमाग में बैठा हुआ होता है, ऐसा नहीं, समझ आ रहा है कि इंटरनल एनर्जी भी हो गया, एंट्रोपी भी हो गया, ये लिखना पड़ेगा क्या, ये एस से हम लोग इसमें किसको इंडिकेट करेंगे, एंट्रोपी को इंडिकेट करेंगे, और यू से इंटरनल एनर्जी को, आप जान ही रहे हैं। तो ये सब थर्मोडायनेमिक वेरिएबल हो गया, खाली पर गुजार दिया जा रहा है आपको। इसके बाद जो पढ़ना है इक्वेशन ऑफ स्टेट पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ स्टेट का क्या मतलब हो गया जी कि थर्मोडायनेमिक्स में कुछ कुछ इक्वेशन आएगा ना, जैसे कि आइडियल गैस के लिए तो पीवी इक्वल टू एनआरटी एक इक्वेशन है, समझ में आ रहा है कि नहीं, और भी इक्वेशन हो सकता है, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी ये भी इक्वेशन ऑफ स्टेट हो गया, और भी अलग अलग प्रोसेस में इक्वेशन ऑफ स्टेट अलग अलग कुछ कुछ और पढ़ना है, तो वो सब होगा, तो ऐसे ही कोई बता रहे हैं, कुछ है नहीं, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा लेकिन पहले एक बार गुजर जाने दीजिए, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस या प्रोसेस किस किस टाइप का होता है, तो जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे कि आइसोथर्मल होता है, आइसोथर्मल बोलेगा दिमाग में क्या आएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट, या इसी को बोलेगा क्या डेल्टा टी इक्वल टू जीरो, फिर इसको विस्तार से हम लोग आगे चर्चा करेंगे, अभी एक बार गुजारा जा रहा है कुछ कुछ देख लिया, फिर क्या होता है आइसो
बारीक होता है, ये सब प्रोसेस है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, रिलेशन कांस्टेंट होगा या डेल्टा पी क्या होगा, जीरो। क्रैकिंग रूट चर्चा करेंगे, फिर आइसोकोरिक होगा, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा या डेल्टा जी जीरो होगा, फिर एडियाबेटिक हो गया, इसमें क्या होता है तो क्यू का वैल्यू जीरो होता है, हीट ट्रांसफर नहीं होता है, मतलब ये जंग का प्रोसेस है। और बोलिए साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक में क्या होगा, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, ये क्या हो जाएगा, स्टेट ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और नॉन साइक्लिक में फाइनल एंड इनिशियल, ये स्टेट जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसको और पूरा चीज बताया जा सकता है, मैंने तो बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो उतना करना नहीं, बस खाली ऐसे ही जान लेना है। और क्या होता है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। अरे सुन लो एक बार, इसके बाद चलेगा। तो रिवर्सिबल का मतलब क्या हो गया जी, साइक्लिक, देखो इसको पूरा विस्तार से हम लोग चर्चा करें, यह भी लिखा जा रहा है कि यही यही सब चीज को लगभग पढ़ना, ठीक है। तो रिवर्सिबल का मतलब क्या हो गया कि सिस्टम अपने पाथ को रिट्रेस करने का, इसका मीनिंग हम लोग आगे देखेंगे, अभी यही है। इरिवर्सिबल मतलब रिवर्स में, नाम ही बता रहा है रिवर्सिबल, रिवर्स डायरेक्शन में वो रिट्रेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये आप समझ ही रहे हैं, तो ये बेसिक चीज है, तो कुछ याद रखने वाला चीज नहीं है, आप टारगेट में आप जान रहे हैं, तो बस केवल एक बार बोल दिया था। जैसे आपको बोलेगा कि थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, बोलता छोटा क्वेश्चन है, पूछ दे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कौन है, और उसमें ऑप्शन दे दे सकता है, तो यही सब थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है, समझ आ रहा है कि नहीं। तो एक बार केवल चर्चा कर देना था, इसको उतारिए, उसके बाद हम लोग कहानी आगे बढ़ाते, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज, जल्दी उतारिएगा। अब इस चैप्टर में मेन रूप से जो यूज होगा उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। पहला पढ़ना है आपको इंटरनल एनर्जी या चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो एक चीज समझिएगा, कि अगर कोई सॉलिड होता है या क्या होता है, लिक्विड होता है, तो इसमें इंटरनल एनर्जी जो होगा, टोटल इंटरनल एनर्जी, वो किसके बराबर होगा, तो इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के कारण माने मोशन के कारण, प्लस इंटरनल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के कारण। अरे बोलो यार, ये सॉलिड लिक्विड में होता है, ठीक है। गैस में बोले तो आइडियल गैस में, जब तक नहीं बोला जाए आइडियल गैस ही मानना है, आइडियल गैस में जो टोटल इंटरनल एनर्जी होगा, पढ़ना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, लेकिन पहले इंटरनल एनर्जी को देख लेते हैं, वो किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जो ये जीरो हो जाता है, रीजन
क्योंकि गैस में, आइडियल गैस में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता। ये बात समझ में आ रहा है? अब न्यूक्लियस के अंदर में क्या चल रहा है वो नहीं देखना है, मतलब बाहर बाहर का बात बोल रहे हैं। तो गैस में इंटरनल एनर्जी जो होगा वो उसके मोशन के कारण होगा, अरे बोलो यार, रोटेशन के कारण होगा, वाइब्रेशन के कारण होगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। ये बात समझ में आया? अरे बोलो, मतलब मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं, ये तो एकदम सही है ना जी। हाँ, मॉलिक्यूल के अंदर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में क्या है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन इधर उधर इंटरेक्ट कर रहा है, सुना रहा है कि नहीं? तो उस लेवल पर नहीं पढ़ना है, या इसीलिए बोल दिया जाता है कि इंटरनल एनर्जी 100% आप एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो मेन रूप से इंटरनल एनर्जी में हम लोग का इंटरेस्ट कम रहता है, किसमें रहता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी में रहता है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपको हम बताए कितना होता है, एन सी वी डेल्टा टी। सी वी को खोल दोगे आर बाई गामा माइनस वन में, सब बता चुके हैं। तो देखो इसको क्या कर दोगे, एन सी वी को लिख दोगे आर बाई गामा माइनस वन, एन आर डेल्टा टी होना जाएगा जी। एन आर डेल्टा टी बाई गामा माइनस वन भी लिख सकते हैं, और एक आपको बताया ही थे पहले हम क्या, पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल बाई गामा माइनस वन। तो ये दोनों बहुत ज्यादा यूज होता है, ये वाला तो ऐसे ही बता दिया गया कि मान लो एक कुछ ये दिया हो कि डेल्टा यू किसके बराबर है, इसी टर्म में डाटा दिया है तो पकड़ा जाएगा, ठीक है? फिर आपको एकदम वहां पर माथा पटक पटक के बताए थे क्या कि ये वाला क्या है, सदाबहार है। अरे नहीं बताए थे? कोई प्रोसेस हो, आइडियल गैस है तो कोई प्रोसेस हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला यही रहेगा या नहीं बदलेगा? अरे बोलो यार। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये समझ में आया ना कि आइडियल गैस में मॉलिक्यूल के बीच का जो इंटरेक्शन होगा उसके कारण से पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, क्योंकि वहां माना ही गया है कि एक दूसरे के बीच में कोई फोर्स नहीं लगा रहा। अरे बोलो यार। तो ये सब चीज आप जान रहे हैं, ये वाला हम आपको बता चुके थे, ठीक है? अब इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। एक क्वेश्चन नंबर आए थे भी वहां पे, कहां पे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, तो मेन रूप से यहां पढ़ना है, लेकिन वहां पर थोड़ा सा एक बार चर्चा कर दिया गया। इसके बाद दूसरा आपको क्या पढ़ना है, हीट एनर्जी, फिर इसी को लेकर कर करके कर पूरा चैप्टर चलेगा। तो हीट एनर्जी के भी बारे में आप जान ही रहे हैं, इसको क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। हीट एनर्जी क्या है जी, तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो एनर्जी फ्लो होता है, है? वही क्या कहलाता था, हीट एनर्जी। आप जान ही रहे हैं हीट एनर्जी का दो फॉर्मेट हम लोग याद रखेंगे, एक हो गया कॉन्स्टेंट प्रेशर पर, तो ये बराबर होगा एन सी पी डेल्टा टी, और एक होगा कांस्टेंट वॉल्यूम पर, ये होगा एन सी पी डेल्टा टी। एक बार फिर हिट करके बता रहे हैं, प्रेशर कांस्टेंट हो, वॉल्यूम कांस्टेंट हो, दिस कांस्टेंट हो, दैट कांस्टेंट हो, कुछ नहीं कांस्टेंट हो, डेल्टा यू में हमेशा यही होगा। कंफ्यूज नहीं होना है कि सी बी है तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर, अरे बोलो यार। लेकिन क्यू बात बात पर बदलेगा, ये प्रोसेस तो अलग, ये प्रोसेस तो अलग, ये प्रोसेस तो अलग, डब्लू बात बात पर बदलेगा, ये प्रोसेस तो अलग, ये प्रोसेस तो अलग, ये प्रोसेस तो अलग, लेकिन इंटरनल एनर्जी में जो चेंज रहेगा वो फिक्स रहेगा, इसी से निकलेगा। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि बच्चा याद करता है क्यू भी इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी कब, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर, तो उसका दिमाग में येलो चलने लगता है। कॉन्स्टेंट प्रेशर पर बताओ तो डेल्टा यू कैसे निकलेगा, एन सी वी डेल्टा टी से कि एन सी पी डेल्टा टी से, एन सी वी डेल्टा टी से डेल्टा यू, कांस्टेंट प्रेशर पर भी, कांस्टेंट वॉल्यूम पर भी, अरे बोलो यार, कांस्टेंट टेम्परेचर पर भी। ये वाला अलग बात है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही जीरो हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? हाँ, हीट के बारे में बात करेगा, मतलब दिमाग में ना तुमको दो तीन चीजें सेट कर देना, इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करेगा, प्रोसेस का कोई चर्चा नहीं, हीट के बारे में बात करेगा तो होना चाहिए, समझ आ रहा है कि नहीं, प्रोसेस का चर्चा।
वर्क के बारे में बोलेगा तो प्रोसेस का चर्चा होना चाहिए। प्रोसेस का चर्चा नहीं करेगा तो किसी ना किसी बहाने से कुछ ना कुछ बताएगा, समझ आ रहा है? तो ये ध्यान रखिए, क्योंकि बच्चा याद यहां करता है अभी, धीरे धीरे इसमें भी अप्लाई कर देता है। कोई दिक्कत लग रहा है? बोलो यार। उस समय भी हिट करके बताए थे बराबर कि ये हमेशा है। एक बार फिर से लिख दे रहे, ये क्या है? सदाबहार है बउआ। जहां जहां पर तुमको दिक्कत होगा ना, हम पहले बताए हुए रहेंगे और इसीलिए बताते हैं कि बच्चा को दिक्कत होता है। और उस पर इंक्वायरी करने के लिए आया था, 585 मार्क्स था उसका, उसको भी नहीं पता है कि ये वाला किस कंडीशन में भरेगा। तो फाइनली ये बोलेगा क्या कि कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर का है, क्योंकि उसके दिमाग में सेट है कि सी भी नया लिखा ले। अरे तुमको बात समझ में आ रहा है? बहुत आसान हो जाएगा ये चैप्टर, बहुत आसान हो जाएगा। जो याद करने बोले वो याद करिएगा, और क्वेश्चन का टाइप कुछ कुछ याद करिए, बड़ा आसान हो जाएगा। और यहाँ हुआ सो हुआ, कहाँ केमिस्ट्री भी आसान हो जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है इसमें? तो केवल कांस्टेंट प्रेशर पर, केवल कांस्टेंट वॉल्यूम पर ही हीट ट्रांसफर नहीं होता। अगर होगा तो तेजी के लिए याद रखेंगे। अरे बोलो यार। बाकी किसी भी प्रोसेस के लिए आपको पता नहीं है कि कौन सा प्रोसेस है। एक नॉर्मल वे में Q का वैल्यू NC डेल्टा T लिखा जाता है। अरे बोलो यार। तो ये वाला आप ध्यान रखिएगा। Q के बारे में तो चर्चा पहले कर चुके थे ना, तो अभी तत्काल इतना ही समझना है कि Q भी NC भी डेल्टा T होगा, Q भी NC भी डेल्टा T होगा। बोलो। और जनरल फॉर्मेट Q का कितना होगा? NC डेल्टा T, ठीक है? एक चीज और ध्यान दीजिएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये स्टेट फंक्शन होता है। क्या होता है? स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब हो गया कि ये केवल इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता। नाम बोल देगा, देखो नाम बोलेगा तुमको पता चल जाएगा इसका क्या मीनिंग। फंक्शन का मतलब होता है डिपेंड करना। फंक्शन का मतलब क्या होता है? डिपेंड करना। समझ आ रहा है कि नहीं? एक रिलेशन। तो बोला है क्या, स्टेट फंक्शन मतलब इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगा, बाकी किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। और हीट एनर्जी जो होता है ये पाथ फंक्शन होता है। क्या होता है? पाथ फंक्शन होता है। ये क्या बोल रहा है? ये किस पर डिपेंड करेगा? पाथ पर। मतलब आपको जानना पड़ेगा कि वो किस पाथ से गुजरा है। अरे बोलो यार। या प्रोसेस जानना पड़ेगा कि कौन सा प्रोसेस से वो गुजरा है। इंटरनल एनर्जी में प्रोसेस जानने की जरूरत क्या नहीं है, कोई प्रोसेस से गया होगा, फॉर्मूला यही लगेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ये सब बेसिक बेसिक चीजें दिमाग में सेट करिए। आपको पढ़ना ही क्या है, फिर छोटा छोटा चीज पढ़ना है। कोई दिक्कत नहीं लग रहा है आपको? फिर और आगे चर्चा करते हैं। अब जो है तीसरा पढ़ना है वर्क, इसको हम लोग W से रिप्रेजेंट करेंगे। एक चीज समझिएगा जी, ध्यान से, ध्यान से। U और डेल्टा U में बहुत अंतर है। इंटरनल एनर्जी चेंज इंटरनल में बहुत अंतर है। समझ आ रहा है? किसी भी चीज में वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी में बहुत अंतर है। लेकिन यहां पर जो दो चीज आप पढ़िएगा ना, एक Q और एक W, तो दोनों का मीनिंग वही हो जाता है। समझ आ रहा? W मतलब भी वर्क, डेल्टा W का भी मतलब वर्क ही होगा। चेंज इन वर्क बोलिए या वर्क बोलिए, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? उसी ढंग से हीट एनर्जी जो है, तो ये भी जब ट्रांसफर होता है तभी ना डिफाइन होता है जी। तो Q बोले चाहे डेल्टा Q बोले, बात एक ही। अरे समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? क्योंकि आगे आप पढ़िएगा में फॉर्मूला होता है, आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, कहीं पर देखोगे कि डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W लिखा रहता है, तो उसमें हवाना नहीं। Q डेल्टा Q, W डेल्टा W, ये दोनों एक ही माना जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हवाना नहीं कि बुक से लेकर के आना कि सर यहाँ पर फॉर्मूला कुछ लिखा हुआ है। ये वर्क जो है ये भी क्या है? पाथ फंक्शन। क्या है? पाथ फंक्शन। एक चीज समझिएगा, ये हम बोल रहे हैं किस में,
हीट में, समझ आ रहा है कि नहीं? ग्रेविटेशन में वर्क जो है वो स्टेट फंक्शन है, वो कंजर्वेटिव फील्ड होता है, समझ में आया? इलेक्ट्रोस्टैटिक में वर्क जो है वो स्टेट फंक्शन होता है, अरे बोलो यार, हीट में वर्क स्टेट फंक्शन नहीं होता है, पाथ फंक्शन होता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, समझ में आया कि नहीं? तो W का डिफिनेशन जो दिया जाता है तो आप पढ़े ही होंगे, इंटीग्रेशन F वेक्टर डॉट dr वेक्टर, यही ना पढ़ेंगे? अरे यही बोला ही जाता है, जहां से जहां तक तुमको ले जाना है, r1 से r2 तक तुमको ले जाना है तो ले जाओ। तो कहने का सेंस क्या है कि इसी का एक दूसरा जो फॉर्मेट होता है ना वो ज्यादा यूज होता है हीट में, माने हर बार लगभग वही यूज होगा। एक बार फिर से, मैकेनिक्स वगैरह में जनरली ये सब का यूज होता है, लेकिन हीट में इसका दूसरा फॉर्मेट का यूज होता है। तो होता क्या है कि क्या किया जाता है कि नीचे में भी एरिया ऊपर में भी एरिया से मल्टीप्लाई किया जाता है, तब फोर्स बटा एरिया प्रेशर बढ़ता है, एरिया इनटू डीआर इधर की वॉल्यूम हो जाता है। कुछ नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप याद रखिएगा इंटीग्रेशन पीडीबी होता है वी1 से लेकर के वी2 तक, इसी से ये आया। लेकिन हीट में कौन यूज होता है, ये वाला में ये वाला दोनों फॉर्मूला मैकेनिक्स वगैरह में चलता है किसका यूज होता है, लेकिन हीट में किसका यूज होता है, तो दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि W का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, पीडीबी V1 से V2 तक, ये जनरल फॉर्मूला है। हम लोग फॉर्मूला याद करेंगे आगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो भी फॉर्मूला आया होगा वो इसी से आया होगा, आपको बार बार इसी से नहीं जाना है, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी फॉर्मूला पढ़ रहे होंगे वो कहां से आया होगा, तो यही से आया होगा, अरे बोलो यार। तो ये सब चीज कुछ बेसिक चीज है जो कि जान लेना, ठीक है। अब आपको वर्क ग्राफ देता है तो कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये वाला हम आगे बताएंगे, और उसका बहुत ज्यादा यूज होगा किसमें, आगे जो भी टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं। विदाउट वर्क के आप नहीं चल सकते, मतलब तीनों है, ये है, ये है, ये और भी कुछ कुछ है, एंट्रोपी है, समझ रहा है कि नहीं? तो वो सब भी आगे देखेंगे, लेकिन इस तीनों का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा। तो वर्क वाला में ना तीन ही तरफ जा सकता है थर्मोडायनेमिक्स में। एक तो क्या होगा कि आपको प्रेशर डिपेंड करता रहेगा किस पर, वॉल्यूम पर। ये पी प्रेशर है, एफ बोले तो फंक्शन है और वी बोले तो वॉल्यूम है, तो प्रेशर जो है वो डिपेंड करता रहेगा किस पर, वॉल्यूम पर। जब इस ढंग से रहेगा तो आप किसका सहारा ले लीजिए, पीडीबी वी1 से वी2, समझ में आ रहा है? और क्या होगा तो ग्राफ देगा, तो ग्राफ देगा तो एरिया का सहारा लेगा, वो हम बताएंगे कि कब एरिया का सहारा लेना है कब नहीं। ग्राफ पी वर्सेस वी का देगा, तब वो बता रहे हैं आगे इसी पर चर्चा करना है, तो एरिया से बनेगा। और एक केस और हो सकता है तो वो वाला क्या होगा, तो आपको फॉर्मूला याद रहेगा, फॉर्मूला रहेगा या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अभी हराना नहीं, अभी इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है थर्मोडायनेमिक्स। देखो बोला क्या गया कि कभी भी आपको वर्क का चर्चा करेगा ना तो आपके दिमाग में तीन ही चीज आना चाहिए हीट चैप्टर में। या तो क्या करेगा कि प्रेशर को फंक्शन दे देगा, मतलब प्रेशर वॉल्यूम के टर्म में रहेगा, इंटीग्रेट करके बना देंगे, ठीक है, या फिर वो ग्राफ देगा P वर्सेस V का, समझ में आ रहा है कि नहीं? तब एरिया से बनाएंगे। और ये दोनों भी अगर नहीं दिया तो आपको मोस्टली ये समझ जाना है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से वो डील हो जाएगा। कुछ कुछ केस और होता है कि तीनों का अलावा भी पूछता है, तो आगे हम चर्चा करेंगे, मेन रूप से यही वाला आपका काम आएगा। मैंने हम दिमाग को ना एक फिक्स जोन में भेजना चाह रहे हैं कि वर्क पूछा कि है तीनों का केस से तो बनना ही है, तो 99.9% डील हो जाएगा, 0.1% के लिए हम आपको आगे बताएंगे कि क्या करना है। कोई दिक्कत लग रहा है, देखते ही पकड़ा जाना चाहिए कि ऐसे वर्क हो। तो अभी तक कुछ सिखाए नहीं है, अभी तक तो केवल बता ही रहे कि दिमाग कैसे कैसे चलेगा। चलिए अब एग्जांपल से गुजरते हैं।
दिया है कि प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस वेरीज एट पी इक्वल टू टू पी स्क्वायर देन फाइंड वर्क डन बाय गैस। वर्क को बहुत अच्छा से यहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। फाइंड वर्क डन बाय गैस, इनिशियल वॉल्यूम जो है वो दिया हुआ है 2 लीटर, 2 यूनिट बजे देंगे 2, और फाइनल वॉल्यूम जो है वो दिया हुआ है कुछ भी, चलो 4 मान लेते हैं। तो इसमें कैसे प्रोसीड करेंगे, आप क्वेश्चन देखते हैं कि वर्क निकालने के लिए बोल रहा है और आपको डाटा किसका दिया हुआ है, प्रेशर का जो वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है। ये तीनों में कहां पर जाइएगा, समझ आ रहा है कि नहीं। देखो पढ़ाया जाता है अलग ढंग से, लेकिन फर्स्ट लेवल में जो पढ़ा रहा है तो आपको हम बचा बचा करके चाहेंगे कि क्वेश्चन डील कर लीजिए, ज्यादा हेक्टिक नहीं होइए। तो W का वैल्यू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन PdV V1 से लेकर करके V2 तक, तो इंटीग्रेशन P के जगह पर क्या पुट करिए। अब इंटीग्रेशन में दिक्कत है तो मुंह नहीं खोलना, कहे कि सब कुछ बता दिया जा चुका है, तो ऑब्वियस बात है कि हो जाएगा V3/3 और 2 तो बाहर निकल गया था, तो 2/3 तो बाहर है, 2 तो बाहर निकल गया, अब V स्क्वायर का V3/3 तो 3 भी बाहर निकाल दिया, यहां पर कौन बच गया, V बचा ना जी, ऐसे करके फिर बाद में केजी में आप करने लग गए, हम तो खाली इसी बता रहे हैं 2/3। और इसको कहां पर पुट करोगे, तो डी के बगल में जो रहता है वो वेरिएबल होता है, डी के बगल में भी है तो भी वेरिएबल है, ये इसको वेरिएबल पे आप पुट करोगे कितना होगा, 4 का क्यूब ये हो जाएगा 64 माइनस, फिर इसको पुट करोगे तो जो भी आंसर आएगा देख लीजिएगा, समझ आ रहा है कि नहीं, कितना आ जाएगा 56 आएगा ना, और ये वाला इसको कर दीजिएगा चलेगा, ठीक है कोना भाग इसका मतलब। तो वर्क ऐसे निकलता है, कभी भी प्रेशर वॉल्यूम पर डिपेंड करता हुआ रहेगा, तो इंटीग्रेशन से बनाइएगा। बार बार बोल रहे हैं कि वर्क केवल इसी तीन ढंग से नहीं निकलेगा, हीट में 0.1% केस में कुछ अलग ढंग से निकलेगा, लेकिन अभी उसको आप छोड़ दीजिए, पहले इसे ही डील करना है आपको। इसमें किसी को कोई दिक्कत लग रहा है क्या, दिक्कत लगने का सवाल ही नहीं, दिक्कत क्या लगेगा। अब कुछ चीज थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, जहां पर बच्चा को दिक्कत लगता है आराम से पहले इसको सुनिएगा। गैस एक्सपैंड होगा, ठीक है, तो फिजिक्स में वर्क डन बाय गैस क्या होगा बताओ, तो पॉजिटिव में होगा कि नेगेटिव में होगा, पॉजिटिव, ठीक है। केमिस्ट्री में वर्क डन बाय गैस ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, क्योंकि होता क्या है कि फिजिक्स के टीचर पढ़ाते हैं कुछ, केमिस्ट्री टीचर पढ़ाएंगे कुछ, वो जान नहीं रहे कि वहाँ वाला टीचर क्या बोले, यहाँ वाला टीचर क्या बोले, तू अपने अपने रिदम में होते हैं, यहाँ पर तो हम ही को दोनों जगह पढ़ाना, तो एकदम क्लियर कंसेप्ट रहेगा। इस पर एक बार नीट बड़ा गंदा ढंग से फंसाया था, ठीक है, बहुत बड़का बड़का इंस्टीट्यूट भी है जो कि गलती है इसका जवाब दिया था, खाली साइने में फंसाया था, जो कि बहुत आसान था, मैंने लगभग हर इंस्टीट्यूट ही इसका गलत आंसर दिया था, जो केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा था, जो कि बहुत हल्का कांसेप्ट था, बस खाली आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो देखना, वर्क डन बाय गैस अगर बोल दिया ना, तो वर्क जो होगा, समझ आ रहा है कि नहीं, एक्सपेंशन के केस में पॉजिटिव होगा,
चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो केमिस्ट्री हो। अब समझना तुम्हें तो आराम से, वर्क डन अगर जो केवल बोलेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर केवल वर्क डन बोलेगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब इस बात को समझिएगा कि हो क्या रहा है फिजिक्स में, या ध्यान से देखिएगा, फिजिक्स में जब तक वर्क के बारे में कुछ नहीं बोला जाए तो डब्ल्यू सिस्टम समझा जाता है। ठीक है, डब्ल्यू एक्सटर्नल फिजिक्स में आपको पूछेगा फाइंड वर्क डन, तो ये बोलबे नहीं किया कि एक्सटर्नल किया है या सिस्टम किया, चर्चा नहीं ना किया। तो हीट चैप्टर वर्क डन बाय सिस्टम को निकालने के लिए बोला है कुछ नहीं, लेकिन आपको समझ जाना कि क्या निकालना है वर्क डन बाय सिस्टम। और हीट चैप्टर छोड़ करके बाकी कोई में भी ग्रेविटेशन में आपसे पूछेगा कि बॉडी को यहां से यहां कर दिया गया तो बर्थ कैलकुलेट करिए, तो किसके द्वारा बर्थ पूछा, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा पूछा। बात समझ में आ रहा है, अरे बोलो यार। और केमिस्ट्री में तो एक जगह पर बर्थ के बारे में चर्चा किया है, फिजिक्स में तो सभी जगह पर ना है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी है, ग्रेविटेशन में भी है, दूसरी जगह पर भी। फिजिक्स में तो बर्थ का हर जगह चर्चा, बोलो यार। तो उसमें भी तुमको ध्यान रखना है कि हीट चैप्टर वर्क डन बोलेगा और स्पेसिफाई नहीं करेगा तो वर्कडन बाय सिस्टम सोचेंगे कब, हीट चैप्टर में, और दूसरे चैप्टर में वर्कडन बाय एक्सटर्नल। बात समझ में आया, समझते जाना एकदम आराम से। और केमिस्ट्री में ढेर चैप्टर है, केमिस्ट्री तो एक ही चैप्टर में पढ़ना है के बारे में जी। तो ये ध्यान रखिएगा केमिस्ट्री में जब तक वर्क के बारे में नहीं बताया जाए तो डब्ल्यू सराउंडिंग समझिएगा छोटू। जब गैस एक्सपेंड किया तो फिजिक्स में बोला वर्क डन बाय गैस तब भी पॉजिटिव ही होता, और केमिस्ट्री में बोलते वर्क डन बाय गैस तो पॉजिटिव ही होगा, मतलब एक्सपेंशन होगा तो वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव होगा चाहे कोई सब्जेक्ट रहे। समझ में आया, लेकिन जब वो चर्चा नहीं किया कि कौन कर रहा है तो फिजिक्स में बर्कनन बोला, इसका मतलब वो बर्कनन बाय सिस्टम बोला, मतलब बर्कनन बाय गैस बोला तो पॉजिटिव हुआ। और केमिस्ट्री में अगर बर्कनन बोला चर्चा नहीं किया तो इसका मतलब बर्कनन बाय सिस्टम वो बातें नहीं किया, वो बर्कनन बाय सराउंडिंग बात किया। अरे समझ में आया कि नहीं, अरे बोलो यार। तो सराउंडिंग वाला क्या होगा ना, तो उल्टा हो जाता है बर्कनन, समझ में। तो यहां पर क्या हो गया कि माइनस हो गया, एक चीज समझना, अगर जो यहां पर पूछता वर्क डन
बाई सराउंडिंग क्या होता, पॉजिटिव होता कि नेगेटिव होता? नेगेटिव होता। गैस एक्सपेंड करेगा तो बर्कनर बाई गैस पॉजिटिव होगा, तो बर्कनर बाई सराउंडिंग नेगेटिव हो जाएगा। ये दोनों उल्टा चलेगा, समझ में आ रहा है? अरे इसमें रहता है कि प्रोसेस बहुत स्लो में हो रहा है, उस सब दिमाग नहीं तुम लगाओ, अभी पूरा बात बताएंगे कंफ्यूज हो जाओगे तुम। जब तक फिजिक्स में नहीं बोलेगा, हीट चैप्टर में हम लोग क्या मानेंगे कि बर्कनर बाई सिस्टम बोला या बर्कनर बाई गैस बोला, समझ में आ रहा है? और केमिस्ट्री में कुछ नहीं बोलेगा तो बर्कनर बाई क्या बोलेगा, सराउंडिंग बोलेगा, ये समझ में आ रहा है? अरे बोलो यार। तो बर्कनर बाई गैस बोल दिया फिजिक्स में चाहे केमिस्ट्री में, तो दोनों जगह पर एक ही चीज पूछा है, लेकिन अगर बोला बर्कनर फिजिक्स में और बर्कनर केमिस्ट्री में, तो रियलिटी में वो दोनों एक चीज पूछबे नहीं किया, वो अलगे पूछा, क्योंकि वहां खुद में खुद मानना रहेगा केमिस्ट्री में तू बर्कनर बाई सराउंडिंग पूछ रहा, बोलो यार। और फिजिक्स में बर्कनर बाई सिस्टम पूछा, जब तक चर्चा नहीं करेगा तब तक कहना कि बोले गैस एक्सपेंड कर रहा तो बर्कनर बाई सराउंडिंग क्या होगा, समझ आ रहा है कि नहीं? तो आपको क्या सोचना है कि एक्सपेंड करेगा तो गैस के द्वारा पॉजिटिव होता है। अब फिजिक्स में पूछे बर्कनर बाई सराउंडिंग, चाहे केमिस्ट्री में पूछे बर्कनर बाई सराउंडिंग, वो होगा निगेटिव ही। बात समझ में आया? अगर वो स्पेसिफाई कर दिया बर्कनर बाई गैस या बर्कनर बाई सराउंडिंग, तब फिजिक्स में भी वही आंसर जाएगा, केमिस्ट्री में भी वही आंसर जाएगा, बोलो यार। लेकिन अगर स्पेसिफाई वो नहीं किया, तब फिजिक्स में अलग जाएगा आंसर और केमिस्ट्री में अलग जाएगा आंसर। क्यों? क्योंकि दोनों जगह पर एक पूछ भी नहीं किया है, अलग पूछा है। बात समझ में आ रहा है आपको? ये चीज को तुम अच्छे से ध्यान देना, जो फंसाया है बच्चा को केमिस्ट्री वाला, उसमें क्या था, केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन में पूछा है बर्कनर बाई गैस, तो जब बर्कनर बाई गैस चर्चा कर दिया तब फिजिक्स से सोचो चाहे केमिस्ट्री से सोचो, अगर एक्सपेंड किया तो पॉजिटिव होगा और अगर कंप्रेस करेगा तो निगेटिव होगा। बर्कनर बाई गैस बोल दिया तो बात पहुंचा। घर पर और बैठ करके आराम से देखो तो क्लियर होगा, इसको क्लियर करते हैं, पूरा हुआ नहीं तो आपको याद क्या रखना है, ये चीज समझिएगा भैया। आपको याद रखना है कि अगर एक्सपेंशन होगा तो डब्ल्यू सिस्टम, मतलब बर्कनर बाई सिस्टम, ये पॉजिटिव होगा और डब्ल्यू सराउंडिंग क्या होगा, निगेटिव होगा। किस सब्जेक्ट में, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में? दोनों में। बात पहुंच गया है लगता है, दोनों में मतलब समझ में आ रहा है ना, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों में। अगर जो कंप्रेशन होगा, ठीक है, तो बर्कनर बाई सिस्टम क्या होगा, नेगेटिव होगा, डब्ल्यू सराउंडिंग ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। किस में, फिजिक्स में कि केमिस्ट्री में? दोनों में। तो हम लोग इतना भी करके नहीं याद रखेंगे, हम लोग याद रखेंगे एक का, सराउंडिंग का याद ही नहीं रखेंगे, वो खुद ब खुद माइनस लग जाएगा। हम लोग इतना चार को कंडीशन को नहीं याद रखेंगे, हम लोग सीधे याद रखेंगे क्या कि हम लोग क्या याद रखेंगे जी, कि एक्सपेंशन इसको भी नहीं याद करना, हम लिख दिए हैं, आपको याद क्या करना है, एक्सपेंशन में डब्ल्यू सिस्टम क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और कंप्रेशन में डब्ल्यू सिस्टम क्या होगा, निगेटिव होगा। बस सिस्टम में का याद करना, उस सराउंडिंग का बोलेगा खुद में खुद उल्टा करके मार देंगे। तो सराउंडिंग वाला याद करने का तुम प्रयास ही नहीं करना, नहीं तो चार कंडीशन ना बन जाएगा।
तुम बस इतना याद रखना कि अगर एक्सपेंशन होगा तो वर्कडन नहीं पॉजिटिव होगा, वो तो चैप्टर ना मैंने फिजिक्स पढ़ लो केमिस्ट्री कर लो वो ना डिसाइड करेगा जी, कंफ्यूज नहीं होना। एक बार और बोले सब क्लियर हो जाएगा, अगर एक्सपेंशन हुआ तो वर्कडन बाई गैस या वर्कडन बाई सिस्टम दोनों एक है, ये पॉजिटिव होगा, समझा रहे इतने। और अगर कंप्रेशन होगा तो वर्कडन बाई सिस्टम या वर्कडन बाई गैस निगेटिव होगा। कोई दिक्कत लग रहा है? सराउंडिंग का पूछेगा भी ना तो पहला बार में सराउंडिंग का तुम नहीं सोचना, तुम सिस्टम का निकाल करके माइनस करके मारोगे। बात समझ में आया? बोलो यार। जैसे कैसे मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाता है तो लैम्डा उम्डा में कभी भी रिलेशन पूछता है तो हम लोग लैम्डा के बारे में सोच भी नहीं करते, हम लोग सोचते हैं एनर्जी के बारे में, फिर उल्टा करके लैम्डा के बारे में सोचते हैं। तो यहां भी सराउंडिंग के बारे में चर्चा करेगा तो उसको सोचना नहीं, पहले किसके बारे में सोचोगे? सिस्टम के बारे में। जो सिस्टम का होगा उसका उल्टा सराउंडिंग का होगा। बात पहुंचा? तो अब एक बार फिर से हम करते हैं, समझिएगा, गैस एक्सपैंड हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है तो वर्कडन बाई गैस क्या होगा? या वर्कडन बाई सिस्टम पॉजिटिव होगा। अरे बोलो यार, केमिस्ट्री में भी पूछा गया वर्कडन बाई गैस तो पॉजिटिव ही होगा, लेकिन अगर वो पूछेगा वर्कडन बाई सराउंडिंग तो इसके बारे में पहले नहीं सोचना। गैस एक्सपेंड हुआ तो सिस्टम पॉजिटिव वर्क करेगा, बोलो यार, तो सराउंडिंग निगेटिव वर्क करेगा, तो निगेटिव वर्क किया, कोई दिक्कत लग रहा है? इसमें भी अगर पूछ देगा केमिस्ट्री में भी कि वर्कडन बाई सराउंडिंग तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, पहले सिस्टम के बारे में सोचना। तो वर्कडन बाई सिस्टम का वर्कडन बाई गैस पॉजिटिव हुआ तो सराउंडिंग का क्या होगा? निगेटिव होगा। ये बात समझ में आया? यहां पर लोचा फंसता है तो टीचर क्या बोलेंगे, फिजिक्स वाले टीचर बोलेंगे कि फिजिक्स में पॉजिटिव होता है केमिस्ट्री में निगेटिव होता है, समझ आ रहा है कि नहीं? केमिस्ट्री वाले बोलेंगे कि इसमें ये होता है तो उसमें वो होता है। एक्चुअली में स्पेसिफाई जब कर दिया वर्कडन बाई गैस या वर्कडन बाई सराउंडिंग बोल दिया तो वहां पर कौन सब्जेक्ट है ये मैटर खत्म हो गया, जो होना चाहिए वो होगा। अरे बोलो यार, स्पेसिफाई नहीं किया तो रियलिटी में वो एक चीज पूछिए नहीं रहा, वो पूछिए रहा है उल्टा, तो आंसर उल्टा होना ही चाहिए। बात पहुंचा कि नहीं पहुंचा? एक बार फिर सुन, एक जानबूझ करके कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि ये नहीं समझोगे ना तो तुमको थर्मोडायनेमिक्स का केमिस्ट्री भी आज वो लेक्चर तुमको पढ़ना पड़ेगा, नौ लेक्चर पढ़ना पड़ेगा जो तुम वहां पढ़ाएंगे, तो समझिएगा तुम आराम से, या दिमाग में जिस वे में बोलेंगे उसी वे में बैठाइएगा कि अगर वो स्पेसिफाई कर दिया कि सिस्टम के द्वारा वर्क बताओ या सराउंडिंग के द्वारा वर्क बताओ तो फिर वो किस सब्जेक्ट में पूछ रहा वो मैटर खत्म हो गया, वो एक के आंसर हो गया। बात समझ में आया? बोलो यार। बिना स्पेसिफाई किए वो पूछेगा वर्क, तब आपको समझ जाना है फिजिक्स वाले सवाल में कि वर्कडन बाई सिस्टम पूछा और केमिस्ट्री वाले में वर्कडन बाई सराउंडिंग पूछा। अरे बोलो यार, तू एक सवाल है ये नहीं, बात समझ में आया? वर्कडन बाई गैस पूछेगा, फिजिक्स में भी क्वेश्चन दिया हुआ है वर्कडन बाई गैस, केमिस्ट्री में भी दिया हुआ है वर्कडन बाई गैस, तो वो एक सवाल है कि अलग अलग सवाल है? एक सवाल है, स्पेसिफाई कर दिया तो सवाल एक हो गया तो जवाब भी एक होगा। अरे बोलो यार, वर्कडन बाई सराउंडिंग बोल दिया फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, आंसर एक होगा कि अलग होगा? एक होगा। स्पेसिफाई कर दिया तो एक होगा, अगर स्पेसिफाई नहीं किया तब दोनों में उल्टा होगा। बोलो यार, बात पहुंचा या नहीं पहुंचा? बात पहुंच गया होगा। और एग्जांपल से हम आगे क्लियर करवाते हैं, कोई दिक्कत लग रहा है? तो तुमको पॉजिटिव निगेटिव कैसे याद करना है तो खाली तुम सिस्टम वाला याद करोगे, सराउंडिंग वाला खुद ब खुद उल्टा हो जाएगा।
तो ये याद रखना कि एक्सपेंशन होगा तो बंटन क्या होगा सिस्टम के द्वारा, कोई भी कॉमन सेंस से देखो ना तुम लोग, फिर थोड़ा सा गैस इसके अंदर में है तो गैस वाल को ऐसे ऐसे खींच रहा होगा, गैस क्या करेगा वाल पर धक्का देगा, तो गैस बंद है तो वो धक्का दे रहा है तो फोर्स उधर लगा रहा है, और एक्सपेंशन होगा तो बढ़ेगा भी उधर, तो जिधर धक्का लगाया उधर ना बढ़ा जी, तो एक्सपेंशन के केस में बंटन क्या हो जाएगा गैस के द्वारा पॉजिटिव होगा। अब धक्का तो लगा रहा है इसी वाल पर, ऐसे देखो वाल पर ऐसे गैस धक्का लगा रहा है, कंप्रेशन इधर हो, कंप्रेशन हो रहा माने ऐसे हो रहा, तो फोर्स उधर लग रहा है और ये इधर चल रहा है, तो बर्कडन बाय गैस नेगेटिव हुआ, और गैस के द्वारा जो होगा सराउंडिंग का खुद ब खुद उल्टा हो जाएगा। इसके अंदर में कुछ छुपाया जाता है कि बहुत स्लोली हो रहा है, लेकिन उसे मत सोचिए, समझ आ रहा है कि नहीं? अभी भी कुछ रह गया है दिमाग में डाउट टाइप का, तो बोलो क्या हॉट पॉच लग रहा है कि सर इतना चीज बता दिए कि हॉट पॉच हो गया। पहला चीज तुम लिखो, यहां पर जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख पा रहे, कॉपी ऊपर वाले भाग में लिखिएगा, लिखिएगा हिंदी में लिखिए कि अगर अगर वर्क डन बाय, अगर वर्क डन बाय सिस्टम या सराउंडिंग स्पेसिफाई कर दे, स्पेसिफाई कर दे तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों में सेम ही साइन होगा, सेम ही साइन होगा। कोई दिक्कत लग रहा है? और बाकी बताइए दिए कि जब तक नहीं बोला जाता है तब तक फिजिक्स में क्या माना जाता है बर्कनन बाय सिस्टम, हम हीट चैप्टर का बात कर रहे हैं। अरे बोलो यार, बाकी चैप्टर में तो भैया है कि डब्ल्यू एक्सएल माना जाता है, तो हीट जब एक चीज समझना जी, बर्कनन बाय सिस्टम या बर्कनन बाय गैस दोनों एक हो गया। अरे बोलो यार, इसका कंफ्यूज नहीं रहे हो तुम, सिस्टम में गैस है ना भर रहे, बोलो यार। तो आप समझ गए हो, ये समझ में आया आपको फाइनली कि ये दोनों उल्टा काहे हुआ, ये दोनों उल्टा क्यों हुआ? सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में अलग है, फिजिक्स में पूछा वर्क डन तो एक्चुअली पूछबे किया वर्क डन बाय गैस या वर्क डन बाय सिस्टम, और केमिस्ट्री में पूछा वर्क डन तो वर्क डन बाय सराउंडिंग, बात समझ में आ रहा है? अरे बोलो यार, तो ये क्वेश्चन सेम है ही ना, ऐसे क्या होगा ना कि फिजिक्स का टीचर हम भी पढ़े तो वही केमिस्ट्री का टीचर, समझ आ रहा है कि नहीं, वो बोलेंगे क्या कि वर्क जो वहां पढ़ते हो उसका उल्टा यहां होता है, जो यहां पढ़ते हो उसका उल्टा वहां होता है, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, समझ आ रहा है? एक्चुअली में क्वेश्चन ही उल्टा है, बोलो यार। yes, तो जैसे कि आपसे पूछेगा, समझ ना, आपसे पूछेगा केमिस्ट्री में कि गैस, इसको मत देखना, केमिस्ट्री में गैस कंप्रेस हुआ तो बर्कनन बताइए, पहले एक चीज और हम बोले सुना ध्यान से, केमिस्ट्री में भी पूछेगा ना तो पहले तुम फिजिक्स से सोचना और उसके बाद लास्ट स्टेप में केमिस्ट्री में तुम जाओगे, ठीक है? गैस कंप्रेस हुआ तो बर्कनन बाय सराउंडिंग क्या होगा, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो पहले केमिस्ट्री पर तुम नहीं जाना, पहले किसमें जाओगे? फिजिक्स। तो गैस कंप्रेस हुआ तो तुमको क्या पता चलेगा? W सिस्टम नेगेटिव है, बोलो। और केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे हुए बर्कनन बाय सराउंडिंग, तो जो सिस्टम के द्वारा होगा उसका उल्टा होगा वहां, तो यहां नेगेटिव हुआ अगर कंप्रेस हुआ तो बर्कनन बाय सिस्टम, तो वहां पर सराउंडिंग के बारे में चर्चा किया तो वो पॉजिटिव होगा, फिजिक्स में चर्चा करता सराउंडिंग के बारे में तो तब भी पॉजिटिव होता, उलझ रहे हो क्या यार? हम लगता है बात नहीं पहुंचा पाए हैं अच्छा से क्या?
चलो इसको लिख करके एक बार और करेंगे तब क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा। पहले केमिस्ट्री के बारे में सोचना नहीं, केवल पहले फिजिक्स के बारे में सोचना है। इसमें याद क्या करना है कि एक्सपेंड होगा तो एक चीज और बोल रहे, पहले बात समझना, तुम आज के बाद से ये बोलना ही बंद कर दो कि एक्सपेंड होगा तो वर्क पॉजिटिव होगा, ये बोलना पहले तुम बंद कर दो, तो दोनों जगह पर तुमको क्या होगा कि गलती से बच जाओगे। एक्सपेंड होगा तो डब्ल्यू गैस पॉजिटिव होगा, ये बोलना स्टार्ट करो, डब्ल्यू गैस डब्ल्यू सिस्टम में मुंह से निकलना चाहिए जो भी होगा। तो हम जो आपको याद करवाए हैं कि एक्सपेंशन होगा तो डब्ल्यू पॉजिटिव होगा, ये बोलोगे तो फिजिक्स में सही हो जाएगा, केमिस्ट्री में गलती हो जाएगा। तो ये चर्चा ही नहीं करना कि डब्ल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो नाम ही बोलना, एक्सपेंशन होगा तो डब्ल्यू सिस्टम पॉजिटिव होगा, बात खत्म, चाहे वो कोई चैप्टर कोई सब्जेक्ट रहे। कंप्रेशन होगा तो डब्ल्यू सिस्टम नेगेटिव होगा, चाहे वो कोई सब्जेक्ट रहे। सराउंडिंग पर बात करेगा तो उसको घुमा करके चल, उल्टा करके चल जाएंगे। हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत कुछ हद पता रह गया होगा, पहले आपको उतारिए, एक बार थोड़ा सा और चर्चा करेंगे, इतना कर दीजिए कि काम खत्म। अच्छा एक चीज और बता दीजिए, देखो केमिस्ट्री में पूछेगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तुम फिजिक्स का फॉर्मूला लगाना और जो आंसर आएगा बिट्टो वही मानना। केमिस्ट्री का फॉर्मूला लगाने ही हम नहीं देते हैं बच्चा को, केमिस्ट्री का भी थर्मोडायनेमिक्स वाले क्वेश्चन तुमको फिजिक्स से लेकर के चलना, तो क्या होगा ना कि दिमाग एकदम ठंडा रहेगा। तो वहां फॉर्मूला लिखोगे क्या, क्यू इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू, अरे बोलो, और फिजिक्स में लिखोगे क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो फॉर्मूला में साइन उल्टा है और उसका वर्क में भी साइन उल्टा तुल्टा करने के चक्कर में उल्टे हो गया जाएगा गड़बड़ा। तो इसलिए आपको क्या बोलेंगे कि केमिस्ट्री में भी आपको पूछेगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो केमिस्ट्री के बारे में नहीं सोचेंगे, जैसे फिजिक्स में बनाते हैं बना देंगे वही आंसर मान देंगे। अरे बोलो यार, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी अगर लगाना रहेगा केमिस्ट्री का क्वेश्चन में तो तुम केमिस्ट्री में फॉर्मूला नहीं लिखोगे, कौन फॉर्मूला लिखोगे, फिजिक्स वाला फॉर्मूला लिखोगे, और जो फिजिक्स के फॉर्मूला से डेल्टा यू आएगा, अरे बोलो, वही वाला तुम मान लोगे, केमिस्ट्री वाला भी सही हो जाएगा। जो फिजिक्स का फॉर्मूला मार करके तुम्हारे पास क्यू का आंसर आएगा वही केमिस्ट्री वाला भी चल जाएगा। बोलो यार, वर्क पूछेगा तो फिजिक्स वाला फॉर्मूला मारोगे, अरे बोलो यार, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डब्ल्यू सिस्टम, बोलो। अब अगर केमिस्ट्री में पूछे हुए वो कि बर्कनन वाइज सिस्टम क्या होगा, तो स्पेसिफाई कर दिया तो जो यहां होगा वही वहां होगा, तो हो गया। बोलो यार, केमिस्ट्री में बोल देगा वर्क डन तो होगा क्या, तुम फिजिक्स से लाए हो तो कौन आया है हाथ में, डब्ल्यू सिस्टम, अब वो कुछ नहीं बोला तो डब्ल्यू सराउंडिंग पूछ रहा है, इसका मतलब इसका उल्टा पूछ रहा है, तो जो यहां आया है उसको माइनस लगा करके मार दोगे, इतना कर दोगे थर्मोडायनेमिक्स लगभग समझो कि लगभग सब खत्म हो जाता है केमिस्ट्री में। हम आगे चर्चा करेंगे, कभी बोलने से क्लियर नहीं होगा, वो एग्जांपल देकर हम क्लियर करेंगे, बस खाली वहां पर क्या होता है कि थोड़ा सा एंट्रोपी वगैरह थोड़ा सा पढ़ाया जाता है, गिब्स फ्री एनर्जी वगैरह का थोड़ा सा ज्यादा चर्चा वहां किया जाता है। तो मात्र एक क्लास लेंगे ना, उसके बाद केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स उलट के भी नहीं देखिएगा, जहां जो तुम देखे कि तुमसे गलती ये होगा मोस्ट प्रोबेबली, समझ में आ रहा है, साइने में तुम उलझते रह जाओ। अभी नहीं किया होगा, अब बाकी क्यू, सुनो क्यू का जो साइन होगा ये कॉमन साइन है, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री, ये दोनों में तो कुछ सोचना ही नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसमें क्या होगा कि अगर अंदर आएगा तो इसको पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे और बाहर होगा तो नेगेटिव साइन के साथ। अरे बोलो यार, साइन क्यों बोला जा रहा है, जो बोलेगा 50 जूल बाहर निकल गया वो हमेशा मैग्नीट्यूड की बात करेगा, तो बाहर निकला तो आपके लिए क्यू का वैल्यू -50 हो गया, 50 जूल अंदर आया तो अंदर आया तो प्लस के साथ होगा, वो हमेशा मैग्नीट्यूड की बात करेगा, साइन की बात नहीं करेगा। कोई दिक्कत लग रहा है, यहां उलझे नहीं ना तुम, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब नहीं बोलेंगे तो बार बार रिपीटेशन हो जाएगा, आई होप बात पहुंच गया होगा, इसके बाद दो तीन को एग्जांपल देते तो क्लियर होगा। यहाँ पर बस खाली इतनी दूर मेहनत कर रहा है वर्क वाले पर, समझ आ रहा है कि नहीं, तो केमिस्ट्री वाला भी क्लियर हो जाएगा, उतारिए इसको।
वर्क डन इक्वल टू 50 जूल फिजिक्स में दिया हुआ हीट चैप्टर में, ठीक है ये ध्यान रखिए। अभी कौन सा चैप्टर का बात कर रहे हैं, हीट चैप्टर, ठीक है। आपको दिया हुआ है कि वर्क डन कितना है 50 जूल, समझ आ रहा है कि नहीं। और आपको बोला है बताने के लिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल, फिजिक्स में ही पूछा है कितना होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल। एक्सटर्नल बोलिए या सराउंडिंग बोलिए, बात देख के सर में आ रहा है ना। अरे एक्सटर्नल या सराउंडिंग, सिस्टम को छोड़ कर जो भी होगा एक्सटर्नल, समझ रहे हो ना। ये वाला आपको केमिस्ट्री में पूछा है, बस यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मेहनत करिएगा यहाँ पर, तो फिर बाकी सब आसान हो जाएगा। वर्क डन बाय सिस्टम, ये केमिस्ट्री में आपसे पूछा, डाटा यही दे रहे, फिजिक्स में ये लिखा हुआ है, ठीक है। वर्क डन केमिस्ट्री में पूछा, वर्क डन बाय सराउंडिंग, ये केमिस्ट्री में पूछा। तो आपको साइन बताना है कि क्या होगा, मैं मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा, तो पहले आराम से हम लोग करेंगे। फिजिक्स में बोला है वर्क डन, फिजिक्स में क्या बोला वर्क डन, इसका मतलब 50 जूल, इसका मतलब वो क्या बोला सिस्टम, नहीं कुछ बोला, इसका मतलब सिस्टम के द्वारा बोला फिजिक्स में। फिजिक्स में सोचना है, केमिस्ट्री तो बाद में सोचेंगे। अब यहाँ क्या पूछा है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल बताइए, मतलब वर्क डन बाय सराउंडिंग बताइए, समझ आ रहा है कि नहीं। तो वर्क डन बाय सराउंडिंग क्या होगा, डब्ल्यू सिस्टम जैसे आप 50 जूल बोले, इसका मतलब आप खुद ब खुद ये बोल चुके हैं क्या, ये दोनों उल्टा ही ना होगा। आपको सीधे लिखा वर्क डन, तो यहां से पहला बार में कहां आप जाइएगा इसमें फिजिक्स में, और यहां आने के बाद यहां पर तो आप खुद ब खुद चले जाइएगा। अभी बोला वर्क डन बाय एक्सटर्नल, मतलब वर्क डन बाय सराउंडिंग, तो वर्क डन बाय सराउंडिंग बोल दिया तो किसी का रहेगा कितना होगा, ये बात आपको समझ में आ रहा है कि इरिटेट हो रहे, इरिटेट नहीं हो रहे हो। यहां बोला वर्क डन बाय एक्सटर्नल माने सराउंडिंग, और जब किसी चर्चा करिए वो दिया, तो फिर कोई सब्जेक्ट रहेगा वही ना होगा, कितना होगा बताओ तुम, माइनस 50 जूल। ये समझ में आ रहा है ना, ये नहीं कि फिजिक्स में जो होगा केमिस्ट्री में उल्टा होगा, जब स्पेसिफाई कर दिया तो दोनों में सेम ही रहे। फिर यहां दिया वर्क डन बाय सिस्टम केमिस्ट्री में, तो चूंकि स्पेसिफाई ना कर दिया, तो फिजिक्स में अगर वर्क डन बाय सिस्टम 50 है, तो केमिस्ट्री में वर्क डन बाय सिस्टम कितना होगा, 50 ही होगा, माइनस नहीं होगा, और स्पेसिफाई देना है। फिर है वर्क डन केमिस्ट्री में, तो क्या पूछा, वर्क डन बाय सराउंडिंग पूछा, तो कितना होगा, ये पूछा वर्क डन बाय सराउंडिंग, जब स्पेसिफाई करिए दिया तो माइनस 50 जूल। कोई दिक्कत आपको लग रहा है, तो अब इतना ले, इसमें दिक्कत नहीं लग रहा है, तो फिर आगे अब दिक्कत नहीं लगेगा। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स में, ये यहाँ पर पढ़ाएं तो अब ये चर्चा करके देते हैं ना।
जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ाना है, लेकिन उसको बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोल देंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ताकि इससे रिलेटेड सवाल हो जाए। तो ये आया है कहां से जी? एनर्जी कंजर्वेशन से। देखो बड़ा आसान है, तुम ऐसे फील कर लोगे। तुम किसी सिस्टम में जिसमें गैस है, इसमें हीट डाले, माने एक तरह समझो कि पैसा डाले, ठीक है, तो उस पैसे का क्या होगा? तो या तो मिल गई, कुछ खर्चा करवा दी, या फिर क्या होगा कि अगर खर्चा नहीं करवाई तो बचा हुआ रह गया, तो वो इंटरनल एनर्जी में चल गया। बड़ा आसान है, जो भी एनर्जी मिला वो कहां गया? तो या तो इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में गया, या फिर वर्क में गया। इन्हें लग रहा है कि एनर्जी का डिप्रेशन है, जो एनर्जी दी है वो दूसरी तरफ भागेगा, या तो इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में या तो वर्क में। अरे बोलो यार, तो Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, ये समझना जी कि अब से Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W बोलना तुम एकदम बंद कर देना। तुम्हारे मुंह से निकलना चाहिए Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W सिस्टम, ये जहां जो बोलना स्टार्ट कर दिए ना, तो तुमसे गलती नहीं होगा, चाहे वो फिजिक्स का सवाल हो चाहे केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में तुम फॉर्मूला पढ़ोगे Q इक्वल टू डेल्टा U माइनस W, अरे बोलो यार, लेकिन हम तुमसे सवाल बनाएंगे ना केमिस्ट्री में भी, तो तुम यह फॉर्मूला मारोगे डेल्टा U प्लस W सिस्टम, अरे बोलो यार। तो अब से हमेशा तुम्हारे मुंह से यही निकलना चाहिए Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W सिस्टम। केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन रहेगा तुम्हारे मुंह से यही निकलना चाहिए Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W सिस्टम। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अरे बोलो यार। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें क्या हम बता दें, आपको हीट एनर्जी देने रहेगा और डेल्टा यू दिए हुए रहेगा, तो डब्ल्यू सिस्टम निकल जाएगा। अभी उसी टाइप का क्वेश्चन करवा रहे हैं, फिर इसको पूरा विस्तार से हम करेंगे, लेकिन चूंकि वर्क वाला का साइन पढ़ाए ना अभी, तो उसका एप्लीकेशन के लिए फिर इसी पर तो चलेगा लगभग आधा थर्मोडायनेमिक्स। समझ आ रहा है कि नहीं? अभी छोटा छोटा सवाल हम खाली देख कर करके और क्लियर करते, फिर फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और विस्तार से आगे पढ़ाएंगे, ठीक है? अभी बस इतने याद रखना कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहां से आया, तो कंडेंसेशन ऑफ एनर्जी से है। अरे बोलो यार। और फीलिंग आ रहा है ना, क्यू दी है तो कहां कहां जाएगा, तो डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अरे बोलो यार, डब्ल्यू नहीं बोलना, क्या बोलना? डब्ल्यू सिस्टम। अच्छा बताओ तो क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू सिस्टम फिजिक्स में बोलना सही है कि केमिस्ट्री में बोलना सही है? दोनों जगह पर सही है, लेकिन अगर सिस्टम नहीं लगाओगे तो फिजिक्स में Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W बोलना सही हो, और केमिस्ट्री में गलत हो जाएगा। तो तुम W सिस्टम बोल दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री सब जगह पर लागू हो गया। अरे बात समझ में आ रहा है? इरिटेट नहीं हो रहा तो बोल गया कि बाप रे बाप, पहले दिन फर्स्ट याद दिया। एक्चुअली यही पर थोड़ा सा साइन वाला में समझना, उस बात को समझो कि केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स इसी के साथ खत्म हो जाएगा। अब चलो कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन जो है, पहले फिजिक्स का बात करते हैं। फिजिक्स में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी जो है ये कितना है, 30 जूल, ठीक है? एब्जॉर्ब्ड एनर्जी या हीट एनर्जी जो भी बोलते हैं, और डेल्टा यू जो है वो मान लो कि 20 जूल है, ठीक है? ऐसा नहीं करते, तो आपको बताना है कि W सिस्टम क्या हो, या W क्या हो, ये फिजिक्स में क्वेश्चन ये दिए हुए, तो कैसे डील करिएगा? फॉर्मूला लगाइएगा पहले,
फॉर्मूला लगाइए, क्या लिखिएगा? Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W सिस्टम। क्या करिएगा, Q के जगह पर पुट करिएगा 30 और डेल्टा U है 20, तो इधर आएगा तो जाएगा माइनस 20, यह क्या निकलेगा? W सिस्टम निकलेगा। यहां से आ गया W सिस्टम कितना? पेन आ गया। अरे बोलो यार, तो ये बताया कि W सिस्टम 10 जूल और केवल W कुछ था इसमें, तो कितना होता है प्लस 10 के माइनस 10? प्लस 10। क्यों? तो इसका सवाल है, समझना एकदम आराम से। डिटो वही क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, ये किसमें लिखा हुआ है? केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है। एब्जॉर्ब एनर्जी कितना है? 30 जूल। डेल्टा यू 20 जूल। ठीक है, तो आपसे पूछा है डब्ल्यू सिस्टम और पूछा है डब्ल्यू। ठीक है, सवाल केमिस्ट्री का रहेगा चाहे फिजिक्स का रहेगा, फॉर्मूला तुमको क्या लगाना है? Q इक्वल टू सुनना, क्लियर हो गया? क्वेश्चन फिजिक्स का रहे चाहे केमिस्ट्री का, फॉर्मूला कौन लगा हुए जो फिजिक्स में पढ़ो? तुम जानना कि फॉर्मूला ये होबे करता है, बाकी दूसरा फॉर्मूला नहीं होता माइनस वाला। ठीक है, चलो प्रूव करते हैं। Q कितना है? उस पर भी चेंज होगा? नहीं, 30। डेल्टा U 20 प्लस W सिस्टम, तो यहां से आ गया T इक्वल टू W सिस्टम। ये ना वजह इन्हें लग रहा है यहाँ पर S by S लिखे थे या S by S TDM लिखे हैं, कुछ बात है क्या यहाँ S by S TDM लिखे हैं? अरे यह सब हो सकता है, कुछ अलग अलग बात लिखा गया है क्या? तो बताओ तो इसका आंसर, इसको हम वन कर दे रहे हैं, इसको टू कर दे रहे हैं, बताओ तो वन वाले में क्या आंसर होगा जो पूछा है आपसे? जो आया है सेकंड वाले में वो पूछा है डब्ल्यू, समझना, पूछा है डब्ल्यू और क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, मतलब क्या पूछा वो पूछा डब्ल्यू सराउंडिंग, और आपको आया हुआ क्या है सिस्टम, अब पूछा है वो सराउंडिंग क्या हो? कोई दिक्कत? तो सवाल फिजिक्स का रहेगा चाहे केमिस्ट्री का, आप फॉर्मूला Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W ही, W सिस्टम ही लिखिएगा, समझ में है? फिजिक्स का क्वेश्चन रहेगा तो W सिस्टम जो आपका आया वही W के बराबर होगा। अब फिजिक्स से मैं पूछ देता कि W सराउंडिंग बताओ, तब यह फॉर्मूला W सिस्टम में निकालते, अब माइनस लगा कर देते, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? एक सवाल आप ये दिया हुआ है केमिस्ट्री में, ये चलो पहले फिजिक्स में करते हैं, फिजिक्स में लिखे हुए वहां भी क्वेश्चन में लिख देगा कि फिजिक्स का क्वेश्चन है, अरे फिजिक्स वाले सेक्शन में बर्कनन जो है वो दिया हुआ है 20 जूल और क्यू रिलीज्ड जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 30 जूल। ठीक है, तो आपको डेल्टा यू के बारे में बताना। ठीक है, और यही क्वेश्चन कहाँ दिया हुआ है? केमिस्ट्री में वर्कडन जो है वो दिया हुआ है 20 जूल और क्यू दिया हुआ है, क्यू रिलीज क्या दिया हुआ है 30 जून।
तो आपको डेल्टा यू बता, ठीक है, एकदम आराम से समझिए। ऑब्वियस बात है कि पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखेंगे, चाहे क्वेश्चन केमिस्ट्री का हो, चाहे मैंने फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, ऐसे लिखेंगे। ये बात समझ में आई? अरे बोलो और बोला से मैं लिखोगे। चलो अब हम लोग फिजिक्स वाले में बनाते हैं। तो क्यूब रिलीज दिया है, इसका मतलब क्या है? होगा माइनस थर्टी, रिलीज होगा माइनस होगा इक्वल टू, ये तो निकालना है। बोलो यार, यहाँ डब्ल्यू सिस्टम हमको पुट करना है। अब फिजिक्स में कुछ नहीं बोला, इसका मतलब डब्ल्यू सिस्टम में दे रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ क्या पुट होगा? 20। अरे बोलो यार, तो यहाँ से डेल्टा यू करना आ गया माइनस 50। मतलब माइनस के मतलब है हुआ कि इंटरनल एनर्जी घटा है, वो तो आप समझिए रहे। चलो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, क्या फॉर्मूला बदल देंगे? नहीं। चलो क्यू के जगह पर क्या पुट करोगे? माइनस 30 इक्वल टू डेल्टा यू प्लस। समझना पाए, यहाँ डब्ल्यू सिस्टम पुट करना है और केमिस्ट्री वाले में बिना कुछ बोले दिया है, इसका मतलब ये क्या है? ये W सराउंडिंग है, आपको यहाँ मानना क्या है? W सिस्टम। तो क्या होगा बताओ? माइनस 20। कोई दिक्कत लग रहा है? तो डेल्टा U का वैल्यू कितना आ गया? माइनस 10। तुमको ये नहीं लग रहा है कि दोनों जगह पर जब डाटा एक के देले है तो आंसर उल्टा का है, अलग का है, ऐसा लग रहा है क्या? कहाँ पर दोनों में अंतर भरा है? आपको ऐसा सुना, आपको लगेगा कि ये दोनों डाटा एक के दिया हुआ, एक्चुअली डाटा एक नहीं दिया है, डाटा एक दिया है। यहाँ पर बर्कनर बाई सिस्टम दे रहे हैं, यहाँ बर्कनर बाई सराउंडिंग दे रहे हैं। क्वेश्चन सेम है ना, अलग है क्वेश्चन में, इस पे आंसर अलग आया। अरे बोलो यार, एक क्वेश्चन समझते हो ना, बस यहाँ पर पार लग गया तो फिर मजे ही मजा। एक बार फिर से बोल रहे हैं, क्या क्वेश्चन दोनों जगह पर सेम है? लिखा हुआ है सेम है। अरे बोलो यार, लेकिन क्वेश्चन सेम नहीं है। अब समझना, दिया हुआ है कि वर्क डन बाय सिस्टम, ये जो है वो 10 जूल है और Q का वैल्यू कुछ भी 30 जूल है, ठीक है। तो आपको फिजिक्स में डेल्टा U निकालना है। पहले बात समझना जी, और केमिस्ट्री में भी क्या निकालना है? डेल्टा U निकालना। समझना, ये दोनों डाटा दिया हुआ फिजिक्स के पेपर में और केमिस्ट्री के पेपर में, तो बताओ तो दोनों सेक्शन में के लिए डाटा सेम है या अलग है? सेम है। ये बात आपको समझ में आया? यस सर। हैं? यस सर। इसका मतलब दोनों में आंसर क्या आएगा? सेम है। तो U का वैल्यू डेल्टा U प्लस W सिस्टम, तो 30 इक्वल टू डेल्टा U प्लस W सिस्टम जो भी है 10, डेल्टा U का वैल्यू कितना आ गया? 20। और उसी ढंग से यहाँ भी करो, Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W सिस्टम, तो Q का वैल्यू कितना है? 30 और डेल्टा U निकालना है प्लस 10। अरे बोलो यार, तो डेल्टा यू का वैल्यू कितना आ जाएगा? 20। अरे क्वेश्चन में सेम है तो आंसर बस सेम होना ही ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन सेम नहीं था। अरे बोलो यार, चलो एक सवाल आप देखते जाओ। यहाँ पर तो अस्थिर सेम इसलिए पढ़ाते ना कि क्लियर एकदम हो जाना चाहिए। एग्जाम्पल है, एक गैस
एब्जॉर्ब इसको दो सेक्शन में हम लोग बांट दे रहे हैं। अगर ये फिजिक्स पेपर में है, ठीक है, तो फिजिक्स पेपर में है और एक बार हम लोग किस पे बनाएंगे, केमिस्ट्री पेपर में, ठीक है। तो आपको क्यू के बारे में चर्चा किया है, डेल्टा यू के बारे में चर्चा किया, डब्ल्यू के बारे में चर्चा किया है, तो अगर फिजिक्स का पेपर रहेगा तो आप कौन सा फॉर्मूला लिखिएगा, फिजिक्स में कौन सा फॉर्मूला लिखिएगा, क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू सिस्टम, और केमिस्ट्री में क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू सिस्टम। अरे बोलो यार, आप फिजिक्स में बनाना तो आपको कह रहा है कि गैस एब्जॉर्ब किया 50, यहां 50 पुट करिएगा, प्लस 50 को एब्जॉर्ब किया, फिर बोल रहा है इंटरनल एनर्जी डिक्रीज किया है 20 से, तो डिक्रीज का मतलब हो गया माइनस का चीज, तो यहां पर कितना पुट होगा, माइनस 20 प्लस डब्ल्यू सिस्टम। अरे बोलो यार, तो यहां से डब्ल्यू सिस्टम क्या आ गया, 70 जूल। कोई दिक्कत लग रहा है, अब आप जवाब दीजिएगा, पहला बार में पूछा है वो बर्कडर, इसका मतलब क्या पूछ ले, फिजिक्स में है इसका मतलब बर्कडर में सिस्टम पूछा, ये 70 जूल। अगर जो पूछे रहता सभ्य नहीं पूछा, कोई एक चीज पूछेगा, पूछा है बर्कडन बाई सराउंडिंग, इसका मतलब क्या होगा, माइनस डब्ल्यू सिस्टम है, इसका मतलब क्या होगा, माइनस 72। और तीसरा में बोलिए दिया है बर्कडन बाई सिस्टम, तो ये कितना आएगा, 72 माइनस में आएगा क्या, चलो अब यही सवाल केमिस्ट्री में रखा हुआ, तो हम लोग फॉर्मूला कौन लगाएंगे, फिजिक्स वाला केमिस्ट्री फॉर्मूला कुछ होता है तो सोचने नहीं, समझ में आ रहा है, तो लगाएंगे अपना क्यू के जगह पर 50, डेल्टा यू के जगह पर माइनस 20 प्लस डब्ल्यू सिस्टम, तो डब्ल्यू सिस्टम किसके बराबर होगा, 72। यह आ गया आपका, ठीक है, केमिस्ट्री का पेपर बना रहे हैं, पूछा है क्या, वर्क डन, इसका मतलब क्या पूछा, वर्क डन बाय सराउंडिंग को पूछा, आपका तो यहां से आया है ये माइनस, इसीलिए बोल रहे एकदम बार बार तुम डब्ल्यू सिस्टम ही बोलना, ताकि तुमको एकदम दिखे कि सिस्टम का है, अब केमिस्ट्री कुछ नहीं बोलेगा, डब्ल्यू सराउंडिंग पूछा है तो इतना हो जाएगा। चलो अगर जो सेकंड वाले में डब्ल्यू सराउंडिंग पूछता तो सिस्टम का है, ये हो जाएगा माइनस 70। डब्ल्यू सिस्टम पूछता केमिस्ट्री के सवाल 70 जूल, तो आप देख रहे होंगे कि स्पेसिफाई कर दिया तब है जो कि दोनों में सेम आंसर आएगा, बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या, स्पेसिफाई नहीं किया तब इसमें जो आंसर आएगा उसका उल्टा इसमें आंसर आ रहा है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं फॉर्मूला वही मान रहे हैं। तो आज से आप ये हैबिट बना लीजिएगा कि Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W सिस्टम बोलो, क्लियर हो गया, समझ रहा है कि नहीं, देखो बच्चा से कहां गलती हुआ था, समझना बच्चा से कहां गलती हुआ था, जो नीट में पूछा था और सब इंस्टीट्यूटों वाला वही दिया था, समझना, वो क्वेश्चन दिए हुए था, डाटा अलग होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया था, ये वाला केमिस्ट्री सेक्शन में ये क्वेश्चन दे दिया था और क्या पूछा था, बर्कडन बाई सिस्टम वो बोल दिया था, नहीं समझ में आ रहा है बात, एग्जामिनेशन
मैंने नीट के एग्जाम में डाटा कुछ अलग होगा लेकिन क्वेश्चन एकदम डिटो इसी टाइप का था, ठीक है। और उसमें बोल दिया था बर्कनन भाई सिस्टम, तो देखो बच्चा कहां गलती किया होगा, तो वो फॉर्मूला ऐसे लगा दिया था, हम ही नहीं बोले तुम ही करोगे, तुम मैंने फॉर्मूला बच्चा केमिस्ट्री के सेक्शन में था तो ये वाला लिखा था वो, अरे बोलो यार, केमिस्ट्री के सेक्शन में था तो ये वाला लिखा था। अब इसमें क्या किया था, क्यूब का वैल्यू कितना पुट कर दिया था 50, डाटा अलग अलग होगा, इन्हें बोला कि सर आप झूठ बोले थे, डेटा अलग था वो अलग होगा, और डेल्टा यू यहाँ कितना हो जाएगा -20 -W, तो यहाँ से क्या आ गया -70। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, तो क्या हुआ कि वो इतना निकाला और यही वाला मार दिया, अरे बोलो यार। तो ये समझ में आया कि अगर ये फॉर्मूला से कोई बनाता, हम आपको कहेंगे नहीं बनाने, तो ये W सराउंडिंग आया हुआ केमिस्ट्री का पेपर था, तो ये क्या आया हुआ था W सराउंडिंग, अब पूछा वो क्या था सिस्टम पूछा था, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो इसका उल्टा ना होता जाएगा। एक्चुअली उसमें ऐसे फंसा लिया था ना बच्चा को, ये बोल दिया था कि गैस एक्सपेंड कर रहा है, तो बच्चा पता है उसमें एक के वो ऑप्शन में निगेटिव दे रहा था केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन में, तो बच्चा डायरेक्ट समझ गया कि एक्सपेंड कर रहा, समझ आ रहा है कि नहीं, तो केमिस्ट्री वाला तो याद रखता है कि बर्कनन क्या होगा निगेटिव, केमिस्ट्री में है ना बता देता है कि एक्सपेंड होगा तो बर्कनन क्या होगा निगेटिव होगा, तो एक्चुअली वो बर्कनन कुछ भी नहीं किया था, बर्कनन बाई सिस्टम पूछा था, तो केमिस्ट्री पढ़ा था एक्सपेंड होगा तो निगेटिव होगा बर्क, तो एक्चुअली में बर्कनन बाई सराउंडिंग में बोलने रहता है छुपा करके, और तुमसे पूछा क्या था सिस्टम करना था, तो फिर उल्टा करके करना था, लाइट है हॉट पॉट हो जाएगा इसका छोड़ो, और तो फिर क्या होगा ना कि बात बताने के लिए बोले आप उलझ गए, अब से हम लोग क्या करेंगे, फिजिक्स का क्वेश्चन रहे चाहे केमिस्ट्री का क्वेश्चन रहे, फॉर्मूला सेम लगाएंगे, समझ आया, और उसके बाद क्या है कि कैलकुलेट करिएगा वर्क, बोलो यार, और बढ़ रही है जैसे आपको बताए, कोई दिक्कत लग रहा है क्या, ये ध्यान रखना जी कि केमिस्ट्री के सवाल में अगर वो वर्क का डाटा देने रहेगा आप कुछ नहीं बोलेगा, तो एक्चुअली में बर्कनन बाई सराउंडिंग दिए हुए, आप फिजिक्स में वर्क का डाटा देने रहेगा आप कुछ नहीं बोलेगा तो बर्कनन बाई सिस्टम दे रहे, ये समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत लग रहा है, अब क्लियर हो गया होगा, बाकी अब थोड़ा बहुत कुछ अटकल होगा तो बाद में क्लियर होगा, अब नहीं क्लियर होगा तो कैसे क्लियर होगा, अरे बोलो यार, तो हम लोग ये जानेंगे ही नहीं कि क्यू इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू होता है, क्या होता है हमेशा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू सिस्टम, डब्ल्यू सिस्टम बोलना जरूरी है, अरे समझ में आया, वो बड़ा अच्छा सवाल था जो नीट पे पूछा था, मतलब जिसका क्लियर नहीं होगा वो गलती कर देगा। यहाँ पर अपने मन से लिख लीजिएगा जी कि ये दोनों, अरे यार क्वेश्चन सेम लग रहा है पर है नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं, जानते हैं कि अगर दे दिया वर्क डन बाय सिस्टम, इसका मतलब क्या हो गया, वर्क डन ऑन दिस सराउंडिंग, ये तो क्लियर होगा, अरे एक के द्वारा किया जाएगा तो किस पर किया जाएगा, दूसरा वाला था तो वर्क डन बाय सिस्टम या गैस बोल दिया, तो इसको दूसरे भाषा में भी बोल सकता था कि वर्कडन ऑन दी सराउंडिंग, ये क्या समझ ना, अभी कभी बोल दिया वर्कडन ऑन दी सराउंडिंग, तो सराउंडिंग पर किया गया तो कौन किया सिस्टम, तो एक्चुअली वो वर्कडन भाई सिस्टम दे ले, अरे बोलो यार, ये समझिएगा।
या फिर अगर बोल देता वर्क डन बाय सराउंडिंग, इसका क्या मतलब होगा बताओ तो, वर्क डन ऑन सिस्टम। हम ये बोलेंगे ना आपको कि ये बोल देगा तो वैसे सोचना नहीं है, समझ ना रहा है, लेकिन अगर ये बोल देगा तो आप ऐसे ही सोच कर करके आगे बढ़ जाएगा। आपको बोल देगा वर्क डन ऑन दिस सिस्टम तो आपको क्या सोचना है, इसका मतलब वर्क डन बाय सराउंडिंग दिया, अरे बोलो यार, वर्क डन बाय सिस्टम देगा तुम ऐसे सोचोगे तो गड़बड़ आ जाएगा, अरे बोलो समझ आया कि नहीं, वो देगा ऑन दी दिस तो उस पर किया गया, मैंने दूसरा वाला किया है, बोलो यार yes, तो आपको इस स्टेटमेंट पर पहुंच कर करके आगे बढ़ना है, कोई दिक्कत लग रहा है क्या, क्योंकि होगा क्या कि ये नहीं बताया रहेगा तो मान लिया कि ऐसा भी गलती हो जा सकता है कि दिया है वर्क डन ऑन दी सराउंडिंग, तुमको वर्क डन सराउंडिंग दिखेगा, तुम सोच लो कि वर्क डन बाय सराउंडिंग है तो गड़बड़ ना हो जाएगा, वर्क डन ऑन दी सराउंडिंग मतलब वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम मतलब वर्क डन बाय सराउंडिंग, हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं बाय बाय करके पढ़ रहे हैं, ऑन करके नहीं पढ़ रहे, ऑन करके देगा भी तो बाय में फेंक करके आगे बढ़ेंगे, जो भी पढ़ा रहे थे कोई दिक्कत लग रहा है, एक चीज समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, यहां पर गड़बड़ होता है जी, और आप लोगों में पूछा है ना एक बार, एक दिन पूछा वो फंसा लेगा, बड़ा छोटा सा चीज, अगर आपको दे दिया फिजिक्स के सवाल में समझना कि वर्क डन कितना है -20 जूल फिजिक्स में, इसका मतलब वो क्या दिया बताओ तो, वो दिया वर्क डन बाय सिस्टम, अरे वर्क डन दिया इतना पर इसका मतलब वर्क डन बाय सिस्टम दिया ना जी, कितना दिक्कत लग रहा है क्या, या फिर ये सोच सकते हो कि वर्क डन बाय सराउंडिंग, अरे वो तो ऑन वाला हुआ, बाय का हम चर्चा कर रहे हैं, वो तो खाली एक बार बात बता दिए, बाकी बाय का ही चर्चा कर रहे हैं, फिजिक्स में दिया वर्क डन -20 जूल, इसका मतलब वर्क डन बाय सिस्टम दिया -20 जूल, या ये बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय सराउंडिंग कितना दिया 20 जूल, तो ये दोनों बात सही है या नहीं है, सही सही है, लेकिन वो ऑप्शन क्या सेट करेगा, देखना इसी में फंस जा सकते हो, तो उसको हम क्लियर कर देना चाहते हैं, यहां पर लिखिएगा वर्क डन बाई गैस बी वर्क डन बाई सराउंडिंग सी वर्क डन ऑन द सराउंडिंग डी, अरे सुनना थोड़ा सा, अरे वो कोई जरूरी नहीं है कि बर्कन का डाटा देगा, वो कुछ क्वेश्चन देगा, तो क्वेश्चन से बर्कन तुम्हारा निकलेगा ना जी, और बर्कन का वैल्यू निकल गया तो मान लेते हैं कि बर्कन का वैल्यू तुम्हारे पास इतना आया फिजिक्स के सवाल में, तो बर्कन बाय सिस्टम हो गया इतना, बर्कन बाय सराउंडिंग हो गया इतना, और तुमको पूछ रहा है कि किसके द्वारा वर्क किया गया, तो बच्चा फंस जाता है, काहे काहे उसको लगता है कि दोनों ना वर्क कर रहा है, तो इसमें यह माना जाएगा कि जिसके द्वारा पॉजिटिव वर्क किया गया ना वही वर्क कर रहा है, तो वर्क फिजिक्स के सवाल में वर्क डन इतना है, इसका मतलब वर्क डन बाय सिस्टम नेगेटिव है और वर्क डन बाय सराउंडिंग क्या है पॉजिटिव है, तो अगर बोलेगा कि वर्क डन बाय सिस्टम कितना हुआ तुम बोलोगे -20 जूल, वर्क डन बाय सराउंडिंग कितना हुआ तुम बोलोगे कितना 20 जूल, लेकिन अगर ये पूछता है कि कौन वर्क कर रहा है तो जिसके द्वारा पॉजिटिव वर्क किया जाएगा ना उसी के द्वारा होता हुआ माना जाता है, तो वर्क डन बाय गैस कितना है अगर पूछेगा तो -20 जूल तुम लिख दो, वो ये पूछ ही नहीं रहा है कि कितना है, वो पूछ रहा है कौन वर्क किया, तो दोनों वर्क करेगा, वो पॉजिटिव करेगा वो निगेटिव,
लेकिन अगर एक ऑप्शन माना रहेगा, अरे बोलो यार, तो जिसके द्वारा पॉजिटिव होगा ना वर्क उसी के द्वारा माना जाता है थ्योरेटिकल भाषा में, तो कौन होगा बताओ तुम? वर्क डन बाय सराउंडिंग। अरे बोलो यार। अब यही वाला सवाल को समझना। चलो केमिस्ट्री में यही डाटा दे रहता है, अरे कुछ सवाल वो देगा तो वहां से करके कर वर्क डन निकालोगे ना। तो केमिस्ट्री में अगर ऐसे लिख दिया कि वर्क डन का वैल्यू कितना हो गया तो -20 जूल, ठीक है, और ऐसा नहीं लिख सकते हैं। तो ए का वैल्यू माने ए, चलो ए बी सी डी, तुम वही वाला ऑप्शन में उतार लेना, ये वाला डेट हो, समझे? अब ये नहीं कि बाद में क्या हो गया, वर्क डन बाई गैस सेकेंड में वर्क डन बाई सराउंडिंग, थर्ड में बोथ, आदि में नन, ठीक है। तो केमिस्ट्री में आपका लिख ले है कितना वर्क डन -22, इसका मतलब क्या हुआ? इसका दोनों मतलब हुआ वर्क डन सराउंडिंग, हाँ वर्क डन बाय सराउंडिंग कितना हो गया -20 जूल, अब वर्क डन बाय सिस्टम, तो वर्क दोनों कर रहा है। अगर पूछेगा कि सराउंडिंग कितना वर्क कर रहा है तो -20 जूल, सिस्टम कितना वर्क कर रहा है तो +20 जूल, लेकिन थ्योरेटिकली खाली पूछा कि वर्क कौन किया, तब जिसके द्वारा पॉजिटिव होगा उसी के द्वारा वर्क बोलेंगे। इसमें कौन चल जाएगा? इसमें ये वाला ये चल जाएगा, बोलो यार। लेकिन इस कंसेप्ट का लोचा क्या है कि तुमको अगर ये क्वेश्चन दे कर करके आप पूछ देगा बटन बाय सराउंडिंग, तो तुमको लगेगा कि सर तो बताएं कि नेगेटिव है तो उसको नहीं बोलते हैं, दूसरा कोई तो बोलते हैं। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए ये समझ में आ रहा है जी। अरे यार जब भी सिस्टम वर्क करेगा तो फिक्स ना है तो उसका उल्टा सराउंडिंग वर्क करेगा, तो न्यूमेरिकली दोनों वर्क कर रहा है, बोलो यार। लेकिन अगर वो पूछ देगा कि कौन वर्क किया, तो जिसके कारण पॉजिटिव होगा ना जी उसी के द्वारा माना जाएगा। आपने पहुंचत कब पहुंचेगा? बात पहुंच गया, ठीक है। लास्ट एक बार खाली रिवीजन कर देते हैं, एक मिनट सब भूल इसको हटा दीजिएगा, आगे से देखिएगा, चेहरा दिख रहा है, खाली गत्ते दिख रहा है, समझिएगा। एक्सपेंशन होगा तो क्या बोलिएगा? वर्कडन वर्कडन बाय सिस्टम बोलोगे। एक्सपेंशन होगा तो वर्कडन बाय सिस्टम पॉजिटिव होगा, वर्क डन बाय सराउंडिंग नेगेटिव होगा। किस में? फिजिक्स में कि केमिस्ट्री में? दोनों में। बात समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? कंप्रेशन होगा तो वर्क डन बाय सिस्टम, पहले सिस्टम को देखना और फिर सराउंडिंग को देखना, तो एक्सपेंशन होगा तो वर्क डन बाय सिस्टम या गैस पॉजिटिव होगा, और वर्क डन बाय सराउंडिंग नेगेटिव हो। सराउंडिंग पर एक बार में नहीं जाएंगे, वो पूछेगा तब भी, पहले सिस्टम बताओगे तब वहां जाओगे। कंप्रेशन होगा तो वर्क डन बाय सिस्टम नेगेटिव, तो वर्क डन बाय सराउंडिंग पॉजिटिव। आ चुकी चर्चा कर रहे हैं सिस्टम और सराउंडिंग का, तो कोई सब्जेक्ट रहेगा यही वाला होगा। कोई दिक्कत लग रहा है? बस यही पहले बोला हो गया।